दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में एक कच्चा कटहल है और इसकी हम आज सब्जी बनाने वाले हैं। बिल्कुल झटपट हम ये सब्जी बनाएंगे और बहुत ही डिलीशियस बनाएंगे। और कटहल को कैसे काटना चाहिए वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। चलिए फिर झटपट रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले चलिए मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 1 मीडियम साइज़ का टमाटर और थोड़ा सा सूखा खोबरा लिया है, मतलब सूखा नारियल लिया है, लगभग 1/4 कप जितना होगा, और 1.5 इंच जितना अदरक लिया है और 2 छोटे साइज़ के लहसुन पूरे ले लिए हैं। अभी मसालों को चलिए पीस लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। अभी इस मसालों को हम साइड में रखेंगे और चलिए कटहल को काट लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, 250 ग्राम है वजन में और ये बहुत ही कच्चा कटहल है। आप देख सकते हैं कि दाने बिल्कुल छोटे छोटे हैं, और अगर आपका कटहल थोड़ा सा भी बड़ा है और इसके दाने के ऊपर, मतलब बीज के ऊपर का ये जो छिलका होता है, ये अगर आपको निकालना आए तो आप इसको निकाल दीजिए। ये बहुत ही कड़वा लगता है स्वाद में। लेकिन मेरा वाला जो है ये बहुत ही छोटा है और इसका छिलका तो बिल्कुल दिख भी नहीं रहा है अच्छे से, इसीलिए मुझे इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधा सीधा इसको काट लूँगी। काटने से पहले हम क्या करेंगे, तेल लगा लेंगे बोर्ड पर, चक्कू पर और अपने हाथों पर। देखिए, तेल लगाने से क्या होगा कि कटहल का जो ग्लू होता है, जो गम होता है, वो चिपकता नहीं, और अगर थोड़ा बहुत चिपकता भी है, बाद में आप इसको एक कपड़े से पोंछ देंगे तो बिल्कुल निकल जाएगा। हाथ में भी लगा लेते हैं तेल, कोई भी तेल लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर रिफाइंड तेल लगा रही हूँ, आप चाहे तो सरसों का तेल भी लगा सकते हैं, मतलब कुकिंग ऑयल ले लीजिए कोई भी। अभी चलिए कटहल को काट लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो बीज वाला ये कोर पोर्शन है ना, ये बहुत ही कड़क हो जाता है बनने के बाद, मतलब पकाने के बाद, और स्वाद में भी ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता। तो इसको हमें निकाल देना है, इसको रखना नहीं है, काटते समय इसको फेंक देना है। तो चलिए काट लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये बीज वाला पोर्शन हमें काट के फेंक देना है। इसको रखने से बिल्कुल सब्जी का स्वाद ही बर्बाद हो जाता है दोस्तों, ये ज़रूर निकाल दीजिएगा। और अभी आप कैसे भी हो सकता है, आप इसको पील ऑफ करें, मतलब छील ले और छील कर काट ले, जैसे हो सकता है वैसे आप छील ले। मुझे इजी नहीं हो रहा था इसलिए मैं टुकड़ा टुकड़ा करके फिर छील रही हूँ, आप देख सकते हैं। जैसे आपको इजी लगे वैसे आप छील लीजिए। देखिए, इस तरह से हम छील लेंगे और छोटे छोटे करके काट लेंगे। साइज अपने पसंद के हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फिर काट लेते हैं। मैं इसको 2 टुकड़ा कर रही हूँ और इसी तरह से बाकी सारे कटहल को हम काट लेंगे। एक और पीस काट के दिखाती हूँ मैं, मतलब एक और टुकड़ा। और कटहल को काटते काटते हम इनको पानी में डाल देंगे ताकि ये काले ना पड़े, बहुत ही जल्दी काला पड़ जाता है ये, तो पानी में डाल के रखेंगे जैसे कि हम आलू बैंगन को काट के पानी में डुबो के रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह। देखिए, सारे मैंने काट लिया है। अभी इनको हमें प्रेशर कुक करना है, तो प्रेशर कुक करने के लिए एक प्रेशर कुकर चाहिए। कुकर के अंदर डाल देते हैं। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक डालने से क्या होता है कि बहुत अच्छा सॉफ्ट होता है। और थोड़ा पानी डालेंगे, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस सब्जी डूबे रहे इतना सा, बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर ताकि ये बिल्कुल काला ना दिखे, कलर अच्छा दिखे। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। और अभी हम इसको ढक्कन लगाकर कुक करेंगे मीडियम हीट पर, 7 से 8 मिनट के लिए कुक करेंगे। मीडियम हीट पर 7-8 मिनट के लिए कुक करेंगे। और अभी देखिए, प्रेशर खुद ब खुद निकल गया है और अभी हम ढक्कन खोलकर चेक कर लेते हैं। मतलब मैंने मीडियम हीट पर 7-8 मिनट के लिए कुक किया है, उसके बाद ऐसे ही बंद करके छोड़ दिया था, गैस बंद करके छोड़ दिया था,
और देखिए सब्जी बहुत अच्छे से नरम हो गई है। अभी हम पानी में से सब्जियों को निकाल लेंगे। पानी में से निकालना इसीलिए है क्योंकि सब्जी को हमें अभी फ्राई करना है फिर से। आप चाहे तो पहले फ्राई करके उसके बाद प्रेशर कुक कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले प्रेशर कुक किया है, अभी मैं फ्राई करने वाली हूँ। और ये जो पानी है ये स्टॉक है, वेजिटेबल स्टॉक, और इसको हम फेंकेंगे नहीं, ग्रेवी के लिए यूज़ करेंगे। उसमें कटहल के सारे न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ है तो उसको हम फेंकेंगे नहीं। तो अभी सब्जी का पानी हम अच्छे से निकाल देंगे और सब्जियों को हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए चलिए कढ़ाई के और तेल डाल देते हैं। तो तेल में जो तड़का डालना है वो मैं अभी डाल रही हूँ, आप चाहे तो बाद में ग्रेवी के टाइम भी डाल सकते हैं। 2 चम्मच तेल डाल दिया मैंने, तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। उसके बाद डालेंगे 1/4 टीस्पून जीरे, 1/4 टीस्पून सरसों डाल देंगे। जीरे और सरसों को बहुत अच्छे से चटकने देंगे। आप चाहे तो ये प्रोसेस बाद में भी कर सकते हैं ग्रेवी के समय पर, लेकिन मैं अभी कर रही हूँ, कोई फ़र्क पड़ता नहीं, सेम ही बात है। तो सब कुछ अच्छे से चटक जाने के बाद मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ 3-4 सूखी लाल मिर्च और 1 तेज़पत्ता। फ्राई होने देंगे, थोड़ा मिर्ची का कलर थोड़ा सा चेंज होने देंगे, उसके बाद हम इसमें सब्जी डाल देंगे। सब्जी में जो भी एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने निकाल दिया है। सब्जी को अभी हम फ्राई करेंगे, मीडियम टू हाई पर हीट रखेंगे और फ्राई करेंगे 4-5 मिनट के लिए। फ्राई करने से सब्जी का स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। आप चाहे तो पहले फ्राई करें या तो अभी फ्राई करें, लेकिन फ्राई ज़रूर करें। फ्राई करने से सब्जी का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। 5-6 मिनट के लिए फ्राई करके हम इसको निकाल लेंगे। देखिए हो चुका है, निकाल के प्लेट में ले लेंगे और इसी कढ़ाई में हम ग्रेवी का प्रोसेसिंग कर लेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने सब्जी को निकाल लिया है और ग्रेवी के लिए हम और थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल अपनी पसंद के हिसाब से, ज़्यादा कम डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी पसंद के हिसाब से डालिए। और कढ़ाई ऑलरेडी गर्म है, तेल भी गर्म है, तो इसमें हम ये पीसा हुआ जो मसालों का पेस्ट ये हम डाल देंगे। और मिक्सर जार को धोकर थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे ताकि मसाला वेस्ट ना हो, और थोड़ा पानी भी इसमें चाहिए तो वो पानी हम मिक्सर जार को धोकर ही डाल देंगे। और थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया है और थोड़ा मिक्स कर लेंगे। अभी हम पाउडर मसाले डालेंगे। तो पाउडर मसाला डालने से पहले हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। हम कटहल में भी थोड़ा सा नमक डाला था तो उसके हिसाब से नमक डाल दीजिएगा। और अभी डाल रही हूँ मैं 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अपनी पसंद के हिसाब से, अपने स्वाद के हिसाब से डालिए। यहाँ डाल रही हूँ मैं 1/4 टीस्पून अमचूर पाउडर, और लास्ट में डालेंगे 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम शाही गरम मसाला। अच्छे से मिला देंगे, अच्छे से मिलाकर ढक ढक कर कुक करेंगे मीडियम टू लो हीट पर, जब तक कि यह पानी सूख नहीं जाता और तेल ऊपर नहीं दिखने लग जाता। थोड़ी थोड़ी देर में चेक ज़रूर करते रहना है और चला देना है ताकि नीचे से जले ना। देखिए दोस्तों, पानी सूख चुका है, ऊपर से तेल भी दिख रहा है, और मैंने ज़्यादा तेल डाला नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिखे ऊपर से, तो इसीलिए इतना फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मसाला अच्छे से पक चुका है, तो अभी हमने सब्जी डाल दी है। और ये जो वेजिटेबल स्टॉक रह गया था इसको हम डाल देंगे इसी के साथ, और इसके साथ और भी पानी ऐड करें अगर आपको लगता है तो। डिपेंड करता है कि आप कितनी पतली ग्रेवी चाहते हैं, उसके हिसाब से एक्स्ट्रा जितना पानी लगता है आप डाल दीजिए। मैं बहुत ज़्यादा पतला नहीं करूँगी, थोड़ा गाढ़ा ही रखूँगी। अच्छे से मिक्स कर दिया मैंने और ढक देंगे जब तक कि अच्छा सा एक उबाल ना आ जाए। देखिए दोस्तों, सब्जी बहुत अच्छे से उबलने लगी है, और अभी आप चाहे तो खोला ही पका लीजिए। और अभी ज़्यादा पकाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब्जी पहले से ही पकी हुई है। तो अभी हम क्या करेंगे, ग्रेवी को एडजस्ट कर लेंगे। तो मैं थोड़ी देर के लिए और ढक दे रही हूँ, 2-3 मिनट के लिए। अभी मेरी ग्रेवी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, मैं जैसा चाहती हूँ बिल्कुल वैसी ही है।
तो आप भी अपने पसंद के हिसाब से कितनी पतली ग्रेवी चाहते हैं उतना आप कर लीजिए। और उसके बाद हमारी सब्जी तो तैयार है। तो लास्ट में हम डालेंगे यहाँ पर कुछ कसूरी मेथी। यहाँ पर एक चम्मच मैंने कसूरी मेथी ली है, आप देख सकते हैं यह भुनी हुई कसूरी मेथी है, मैंने भून कर रखी थी। हथेली पर ऐसे चूर करते हुए डाल देंगे। कसूरी मेथी को भून कर यूज़ करें तो बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। और इसके साथ साथ डाल देंगे कुछ फ्रेश हरा धनिया, मिला देंगे। और मैंने सब्जी में आमचूर पाउडर डाला था तो उसी के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा शक्कर डालेंगे। चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, अगर आपने आमचूर पाउडर नहीं डाला है तो शक्कर डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और आमचूर पाउडर डालने के बावजूद भी आप शक्कर को स्किप कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज़ ना है तो आप डालिए, अच्छा लगता है स्वाद में। तो चलिए हमारी सब्जी तैयार है दोस्तों, हम सर्व कर लेते हैं। इस सब्जी को आप चाहे तो चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, पुलाव के साथ खाइए, फ्राइड राइस के साथ खाइए, किसी के साथ भी, नान के साथ भी खा सकते हैं, तंदूरी के साथ भी, सबके साथ ये बहुत ही बढ़िया लगती है। और बनाने में भी बिल्कुल झटपट बन जाती है। आप देख सकते हैं कि मसाला मैंने बिल्कुल शॉर्टकट प्रोसेस में मसाला बनाया है और खाने में ये बहुत ही मज़ेदार है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें दोस्तों, और ट्राई किया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। चलिए फिर दोस्तों, आज के लिए यहाँ तक ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और तब तक के लिए सेफ़ रहे, स्वस्थ रहे और खाते रहे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। Thank you so much for watching. Bye bye.